नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 24 फनी स्टोरी। मैं आपकी दोस्त आज लेके आई हूँ एक नई कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी लांछन। महिला आश्रम की जुगनू बाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत थी। देखने में बहुत सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाहें गलतियों पर ही जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर ही पहुंच जाती थी। शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके विषय में दो चार लुकी छुपी बातें उसे न मालूम हो। उसका ठिगना, स्थूल शरीर, सिर की खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाल देती है। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती है तो उसकी आकृति कठोर हो जाती है, आंखें फैल जाती है और कंठ स्वर का कर्स हो जाता है। उसकी चाल में बिल्लियों का साया संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से काम। उसका आतंक था कि जो ही वह कमरे में कदम रखती, होंठ पर खेलती हुई हंसी से जैसे रो पड़ती थी, चहकने वाली आवाज जैसे बुझ जाती थी, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आ जाते हो। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कट घरों में बंद करके न रखना चाहता हूँ। धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती, मानियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होगा। यहाँ तक हम उसकी याद से ही कांप उठते हैं, और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियों जुगनू को धुतकारती, पर यहाँ तो मैके और ससुराल, ननिहाल, ददियाल, फुफियाल और मौसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी। जिस किले में इतने द्वार हो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? वहां तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहाँ किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहाँ जुगनू की तैयारी बदली। उसकी एक कड़ी निगाहें अच्छे अच्छे को दहला देती थी, मगर यह बात न थी कि स्त्री उससे घृणा करती हो। नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। आपने अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही, और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस कुरुशेद एक दिन आश्रम में आती। ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया मिस कुरुशेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसे दिलचस्प बातें की कि सभी देवियों का मुंह हो गई। गाने में चतुर थी, व्याख्यान में भी खूब देती थी, और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरे रंग, कोमल गाल, मद भरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केस, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। मादकता की इससे अच्छी प्रतिभा न बन सकती थी। चलते समय मिस कुरुशेद ने मिसिज टंडन को, जो आश्रम की प्रधान दी थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस कुरुशेद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी। माना
कोई सहज सवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसिज टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाओ। मिस खुर्शेद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है, मुझे चालबाज मालूम होती है, यह भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसिज टंडन तो जुगनू से जली बैठी थी, इनके वेद्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागनी कहा करती थी। मिस खुर्शेद से उसकी जितनी बुराई हो सकती वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शेद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इससे कांपती है, आप इसे निकाल क्यों नहीं देते, ऐसी चुड़ैल को एक दिन नहीं रखना चाहिए। मिसिज टंडन ने अपनी मजबूरी बताई, निकाल कैसे दूँ, जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, हमारे भाग्य उसकी मुट्ठी में है, आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाए, उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष बातें न कीजिएगा, इसके गोयंदे न जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, नौकर से मिलकर भेद यह ले, डाके से मिलकर चिट्ठियाँ यह दे के, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे, इस राड को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था, यहाँ न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शेद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बात बोली, अच्छा मैं इसे ठीक करूंगी, अगर न निकाल दूं तो कहना। मिसिज टंडन, निकाल देने से ही क्या होगा, उसकी जुबान तो न बंद होगी, तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शेद ने निश्चित स्वर में कहा, मैं उसकी जुबान भी बंद कर दूंगी, बहन आप देख लीजिएगा, टके की औरत यहाँ बर्दाश्त बादशाहत करती है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसिज टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहाँ प्रिंसिपल है। जुगनू ने देश भरे हुए स्वर में कहा, आप देखिए, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियाँ देख चुकी हूँ, आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसिज टंडन धीरे से बोले, तुम्हें कच्चाई खा जाएगी, उनसे डरती रहना, कह गई है, मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी, मैंने सोचा तुम्हें चेता दूँ, ऐसा ना हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींच कर कहा, यहाँ का आना न बंद कर दूँ तो अपने बाप की नहीं, वह घूम कर दुनिया देख आई है तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेज टंडन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ इससे, इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया, उम्री तो 30 के लगभग होगी। मिसिज टंडन ने रद्दा जमाए कहती, मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आज़ादी बेचूं। जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही नहीं होगा, ऐसी बहुत सी कमारियां देख चुकी हूँ, 70 चूहे खाकर बिल्ली है चली हज को, और कई लौंडियाँ आ गई, बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शेद हवा खाने गई हुई थी। खान सामा ने पूछा, कहाँ से आती हो। जुगनू, यहीं रहती हूँ बेटा, मैम साहब कहाँ से आई है, तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे। खान सामा, नागपुर से आई है, मेरा घर भी वहीं है, 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊँचे खानदान की होगी, वह तो रंग ढंग से मालूम होता है। खान सामा, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं है, हाँ तकदीर की अच्छी है, इनकी माँ अभी तक मिशन 30 पाती है, यह पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई, अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली है, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए, यह गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पटती नहीं। जुगनू, मिजाज की तेज मालूम होती है। खान साहब, नहीं यह तो बहुत नेक है, गिरजे नहीं जाती, तुम क्या नौकरी की तलाश में हो, करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती है। जुगनू, नहीं बेटा, मैं अब क्या करूँगी नौकरी करके, इस बंगले में पहले जो मैम साहब रहती थी वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी, मैंने समझा चलो नई मैम साहब को आशीर्वाद दे आऊँ। खान सामा, यह आशीर्वाद लेने वाली मैम साहब नहीं है, ऐसों से बहुत चिढ़ती है, कोई मांगता आया उसे डांट बताई, कहती है बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं, भला चाहती है तो चुपके से रह लो,
जुगनू, तो यह कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं है, फिर गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफ़ी सामान मिल गया। नीचे खानदान की है, माँ से नहीं पड़ती, धर्म से विमुख, पहले धाव में इतनी सफलता कम न थी। चलते चलते खान सामा ने इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं। खान सामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे। जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खान सामा, अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी, हमारी बर्बादी में कोई इस तरह रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए, मुदा इनके यहाँ जो जी आवे करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुँची, गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुई थी, एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपड़ों को ताजा और सूख कर दिया। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी नहीं देखा। अंदर जाते ही खान सामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है। खान सामा ने जूते का फीता खोलते कहा, भिखारिन है पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहिए, हिंदुओं में तो दूध मुए बालकों तक का ब्याह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की और क्या कहती थी, और तो कोई बात नहीं हजूर, अच्छा उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने जो ही कमरे में कदम रखा,